आज मैं आपको तीन मॉडल ऐसे देने वाला हूं जिसमें आपको श्योरिटी आ जाएगी कि आप क्या गलती कर रहे हो एक्चुअल। देखो यार, बड़े मजे की बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक बड़े मजे का किस्सा याद आ गया है। उनके बराबर में एक उनका एम्प्लॉय बैठा था, उन्होंने उससे कहा, रमेश तुझे हेड दिखा, तेरे मोबाइल पे आया? रमेश ने कहा, नहीं लाला जी, मेरे पे तो नहीं आया। तो इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये है एक्सपेंस, लेकिन लैकिंग कहाँ हो रहा है? मार्केटिंग पे, एम्प्लॉयज पे, इन्वेस्टमेंट पे, गाइडेंस पे, तो इन सब जगह प्रॉब्लम। देखो, अगर आज जिस स्टेज में हो उससे आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं यार आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैटेक्स डिजिटल मीडिया। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो गाइस, अगर मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करूं कि आपका ऑलरेडी कोई मार्केटिंग प्लान है, क्या आप उस प्लान के हिसाब से वर्क कर रहे हैं या आप बस जो आप देख रहे हो वो आप कर रहे हो? ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से भी कर सकते हो कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअली। देखो, परेशान मत हो, आज मैं आपको तीन मॉडल ऐसे देने वाला हूं जिसमें आपको श्योरिटी आ जाएगी कि आप क्या गलती कर रहे हो एक्चुअल में। अगर विदाउट प्लानिंग बिजनेस कर रहे हो ना, अगर विदाउट प्लानिंग बिजनेस कर रहे हो तो बहुत कुछ छूट रहा है, यकीन मानो बहुत कुछ छूट रहा है। चेक करो, किसी लिस्ट में कुछ गोल्स लिख रखे हैं? सीरियसली पूछ रहा हूं, चेक करो, ध्यान करो, कभी लिखे हैं गोल्स? और फिर कहते हो यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप पहुंचोगे कैसे? अगर मुझे भी कहीं जाना होगा तो मैं पहले एड्रेस पता करूंगा ना कि मुझे उस जगह जाना है, तब जाके मैं उस जगह पहुंच सकता हूँ। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, रास्ते में हो सकता है दिक्कतें आए, परेशानी आए, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये तो पता है कि मुझे वहां जाना है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, मैं बस निकल गया कि कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा, तो पहुंचने के बहुत कम चांसेस। तो आज मैं आपसे तीन मॉडल जो शेयर करने वाला हूं, तीनों मॉडल को प्रैक्टिकली देख चुका हूं और वो तीनों मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और जॉब भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप कौन से मॉडल के अंदर, बिजनेस मॉडल के अंदर जॉब कर रहे हैं और जो रियलिटी है ना वो आज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, शेयर करता हूं मैं स्क्रीन। सबसे पहले प्रॉमिस करो, जो पहला मॉडल है उसको देख के हंसोगे नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। मैंने जो तीन मॉडल डिसाइड करे हैं, पहला है लाला कंपनी। लाला कंपनी आपको पिक्टोरियल वे में समझ में आ रहा होगा कि लाला कंपनी का क्या मतलब। दूसरा है बिजनेस डूइंग एंड थर्ड वन इज बिजनेस मेकिंग। तो हम इन तीनों मॉडल में देखने वाले हैं कि ये तीनों मॉडल में कैसे काम होता है, आप कौन से मॉडल में एग्जिस्ट कर रहे हो, आपकी क्या क्या प्लानिंग है और आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में कैसे स्विच कर सकते हो, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या तरीका है, सब कुछ आज शेयर होने वाला है। तो जो सबसे पहला वाला मॉडल है, लाला मॉडल इज दैट लाला कंपनी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है ना, ये कैपेबल है बट नॉट वॉन्ट टू स्केल, सुनने ही नहीं चाहते, आप इनको समझा के कुछ नहीं कर सकते। मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप इनको नहीं समझा सकते, आप समझाने जाएंगे आप खुद समझ के आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी ये जो फॉलो करते हैं वो करते हैं MMAEP स्ट्रेटजी। अब ये क्या स्ट्रेटजी है, देखो इसको इलैबोरेट करते हैं। एम फॉर मेथ मार्केटिंग मेथड, ए फॉर अप्रोच, एम्प्लॉय रिगार्ड्स एंड द प्लान। ठीक है, प्लान जो मैंने इनके लिए बनाया है। मिथ, सबसे पहले मिथ की बात कर लेते हैं। मिथ में एवरीवन मेक्स फूल, इनको ये लगता है कि इनको हर कोई बेवकूफ बना रहा है। आप इनको कितना भी जाके समझा लें, आप कुछ भी बोल लें, इनके समझ में नहीं आने वाला। इनके कुछ मिथ होते हैं इनके माइंड में, जो पुराना चलता आ रहा है उस चीज को फॉलो अप करना है। आप कुछ नया समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ऐसे ऐसे रीजंस दे देंगे, ऐसे ऐसी वजह दे देंगे कि आप भी परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि यार आप सही कह रहे हो। दूसरा इज JDVP,
JDVP, what is this? JDVP. देखो JDVP is, मुझे खुद हंसी आ रही है, जो दिखता है वो बिकता है. इनकी जो परसेप्शन होता है माइंड का वो यही होता है कि यार जो दिखेगा वही बिकेगा. लेट मी गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल. क्या हुआ कि हमने एक कैंपेन चलाया लाला कंपनी का, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा. हमने कैंपेन चलाया, कैंपेन चलाने के बाद हमने दिखाया कि सर देखिए ये रिजल्ट्स आए हैं आपके, आपके इतने इंप्रेशन और इतना रीच और इतने रिजल्ट्स. एंड एट दैट टाइम व्हाट दैट लाला सेज, देखो यार बड़े मजे की बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक बड़े मजे का किस्सा याद आ गया है. उनके बराबर में एक उनका एम्प्लॉय बैठा था, उन्होंने उससे कहा रमेश तुझे हेड दिखा तेरे मोबाइल पे आया. रमेश ने कहा नहीं लाला जी मेरे पे तो नहीं आया. लाला जी बोले बताओ कैसी मार्केटिंग कर रहे हो, हम कैसे मान लें ये सही रिजल्ट है तुम्हारे, हमारे हमारे पास तक तो आया नहीं और तुम कह रहे हो कि इतने लोगों ने देख लिया. अब मैं क्या कह सकता था और हमारी टीम क्या कह सकती थी. फिर हमारी टीम ने क्वेश्चन करा रमेश से कि रमेश तुम्हें इनका प्रोडक्ट लेना था. रमेश ने कहा नहीं मैं क्यों लूंगा, मैं तो यही काम करता हूं, मैं क्यों लेने लगा. एट दैट टाइम टीम सेड टू द लाला जी के लाला जी एक बात बताइए, जब इसको प्रोडक्ट लेना नहीं था तो इसके पास एड कैसे आ जाएगा. अब लाला जी ने कहा कि यार इसको नहीं लेना उससे क्या मतलब है, एटलीस्ट इसके पास तो आना चाहिए, एटलीस्ट इसके पास तो आना चाहिए, ये यहां काम कर रहा है इसके ही पास नहीं एड आ रहा, मेरे पास भी नहीं आया. अब यही सेम बात अगर हम लाला जी से कहते कि आपको अपना प्रोडक्ट खुद लेना है क्या, तो लाला जी ऑब्वियसली बात मना कर देते. तो हमारा जो टारगेट रहता है वो तो यही रहता है ना कि जिसको लेना है उस तक आपका एड पहुंचे, उस तक आपकी मार्केटिंग पहुंचे. तो लाला जी कहने लगे कि नहीं यार आप जो दिखा रहे हो जरूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है और इस चीज को हम नहीं मान सकते. तो यार हमने ये सोचा, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है, लेट्स गो डिजिटल. ठीक है, तो अब देखो मार्केटिंग मेथड की बात करते हैं इनकी, तो ये ट्रेडिशनल होता है. ठीक है, ट्रेडिशनल के पीछे इनकी सोच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ. सोच इज फॉर प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट. अगर 2% का भी हो रहा है, इतना पैसा लगाया, अगर इन्होंने 100 रुपए भी खर्च करा और 2 रुपए का भी 102 रुपए वहां से निकल गया है तो ये आपको पैसा दे देंगे, आप इनकी वैसी मार्केटिंग कर सकते हैं. अब बात करें अप्रोच की, तो इनकी बड़ी टाइट अप्रोच रहती है. ऑर्डर्स जो आते हैं वो ऊपर से आते हैं, हाँ या ना, करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी नहीं है, आपको करना ही करना है. जो ऑर्डर आ गया, जो आपके परसेप्शंस हैं उनको आप अपने पास रखिए और आपको जो तरीका बताया गया उस तरीके पे आपको काम करना है. देखो अब बात करते हैं एम्प्लॉय रिगार्ड्स की, तो इसमें थोड़ा सा लो होता है एम्प्लॉय रिगार्ड, मतलब आपको इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, आपको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती कि आप खुल के वहाँ पर बोल सकें, अपने प्लान्स बता सकें या कुछ बिजनेस डेवलपमेंट में पार्ट ले सकें. आपको जो काम दे दिया है वो करना है, जो लाला जी के साथ बैठा हुआ है उसकी, वो जो लाला जी को बताएगा वो पूरी कंपनी करेगी. ठीक है, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई हों, कुछ लोग अलग तरीके से काम कर रहे हों, कुछ लोगों की थिंकिंग बदल गई हो, तो वही प्लानिंग अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस मेथड पे चल रहे हो तो अब आपको करना क्या है. सबसे पहले ना यार देखो थिंकिंग चेंज करो, सबसे पहले थिंकिंग चेंज करो, जो आप पहले करते आ रहे हो ना उन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हटो और एक बार हटके रिसर्च करके देखो, स्टार्ट रिसर्च, आप खुद देखो मार्केट में टेस्ट करो, आप किसी की बात मत मानो, आप मेरी भी मत मानो, आप जाके चेक करो कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, फिर आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस, वो आपको पूरा प्लान देने वाला है, एक पूरा आपका ईयरली प्लान देने वाला है कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो आई थिंक के जो ये लाला कंपनी का मॉडल है ये आपको समझ में आ गया होगा. देखो दूसरा मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और मोस्टली जितने भी नए स्टार्टअप नए बिजनेस आ रहे हैं वो सब बिजनेस डूइंग के मॉडल में, और यहाँ पे जो रेशियो रहता है वो रहता है 90% फेलियर 10% सक्सेस. यार देखो ये ना कैपेबल भी है और ये अपने आप को ग्रो भी करना चाहते हैं, लेकिन इशू क्या, इशू ऐसा क्या आ रहा है, इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या फॉलो करते हैं, ये TLBP स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं,
मैं ये एलैबोरेट करता हूँ आपके सामने। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप की। तो टाइप में ये क्या है ना, एक स्ट्रगलिंग बिजनेस। स्ट्रगलिंग क्यों, इसको मैं स्ट्रगलिंग क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं स्ट्रगलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये आज काम कर रहे हैं कल काम नहीं करेंगे तो इनका बिजनेस स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, सेल्स डाउन हो जाएगी, बिजनेस प्रोसेस हट जाएगा और बिजनेस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो ये सारे आते हैं स्ट्रगलिंग बिजनेस। लेकिन क्यों आते हैं, क्या क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन है जो ये स्ट्रगलिंग में आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन लेकिन देखो सबसे पहली बात ये है कि इनके पास गाइडेंस की कमी होती है, गाइडेंस इनके पास प्रॉपर नहीं होती। अगर कोई बता देता है ये करना है तो ये वो करना शुरू कर देते हैं। डेली ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स का डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। देखो गलत नहीं है, गलत नहीं है कि आप डेली लर्न कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, लेकिन हर चीज भी यूट्यूब पे जेन्यून नहीं है। हर कोई अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किसी एक को फॉलो करो और उसके बाद उसके तरीके पे रहो। अगर आप कोई चीज शुरू कर रहे हो तो उसको पूरा खत्म करो यार। अगर एक ब्रांड बना रहे हो तो उसको पहले बना के तो देखो, अल्टरनेटिवली दूसरी शुरू कर दोगे, अल्टरनेटिवली कुछ और भी काम करने लगोगे, नहीं, एक ही पे काम करना है, एक चीज पे मास्टरी करनी है। तो इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये है एक्सपेंस। मार्केटिंग करने में इतना ज्यादा इनको डर लगता है कि अगर यार ये हम अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए 10-15 हजार का या 20 हजार का मंथली खर्चा बढ़ जाएगा। रिजल्ट आया या नहीं आया, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटजी बना के काम करोगे, गोल्स के हिसाब से काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो कोशिश करते हैं कि लो क्वालिटी एम्प्लॉयज रखे जाए जिसको कम सैलरी देनी पड़े और रिजल्ट हल्के हल्के आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए, बस थोड़ा भी आए तो आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक गलत स्ट्रेटजी। अब देखो मार्केटिंग की अगर बात करें तो इनका जो प्रोस्पेक्टिव होता है मार्केटिंग का, वो होता है सेल्स। अगर हम 15,000 या 10,000 की कैंपेनिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें हमारी कितनी सेल्स आ रही, उसके बेस पे ये डिसाइड करते हैं आगे के बजट्स कि यार इतना आया, अब इसमें हम इतना लगा सकते हैं और इतना हमारा प्रॉफिट बन सकता है या सेल आ सकता है। देखो अब बात करते हैं बेस्ट किसमें होते हैं। बेस्ट है ऑपरेशन में, और ये जो इनका काम होता है इसमें ही बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेशन तो मस्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑपरेशन की भी स्किल्स नहीं है या नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा सोचो, पहले ऑपरेशन पे काम करो, ऑपरेशन समझ लो अपने बिजनेस के, उसके बाद मार्केटिंग पे आना। तो ऑपरेशन की इनके पास नॉलेज होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैकिंग कहाँ हो रहा है, मार्केटिंग पे, एम्प्लॉयज पे, इन्वेस्टमेंट पे, गाइडेंस पे, तो इन सब जगह प्रॉब्लम आ रही है, लैकिंग हो रही है। देखो प्लान की बात करते हैं, अगर TLB स्ट्रेटजी के प्लान की बात करते हैं, पी की बात करते हैं प्लान की, तो देखो यहाँ पे क्या है, गोल सेटिंग है स्टार्ट विद ऑर्गेनिक, थर्ड वन इज ऑटोमेशन सिस्टम एंड फोर्थ वन इज पेड मार्केटिंग। तो देखो गोल सेटिंग क्या है ना यार, तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे गोल्स क्या क्या हैं, ईयरली गोल क्या है, क्वार्टरली गोल क्या है, सेमी क्वार्टरली गोल क्या है, मंथली गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, डे के गोल क्या है, आपको ये डिसाइड करना ही करना है। अगर एक दिन भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा तो आप कहीं ना कहीं लैकआउट कर रहे हो। आपका एक दिन का गोल परफेक्ट होना चाहिए कि आज जो मैंने काम करा उससे मैं सेटिस्फाई हूं, तो आपके आगे के गोल सब कवर अप होते चले जाएंगे। और उनके लिए वीकली भी गोल बनाने, मंथली भी गोल बनाने, ईयरली भी गोल बनाने। स्टार्ट विद ऑर्गेनिक, भाई पैसा नहीं है तो कौन कह रहा है कि आप पैसा इतनी जल्दी इन्वेस्ट करो, आप अपने एफर्ट्स तो दे ही सकते हो ना। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, आप खुद तो इन्वॉल्व हो सकते हो ना। अगर आपके पास बजट नहीं है तो क्या जरूरत है कि आप किसी के पास जाओ काम करवाओ, आप खुद तो एफर्ट दो अपने बिजनेस के लिए। योर एफर्ट इज सफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने एफर्ट्स दो, आप वीडियोस बनाओ, आपके जो ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है आप उनको आंसर करो और आप अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझाओ, ट्रस्ट जनरेट करो, तो बहुत सारी चीजें हैं ऑर्गेनिक में। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑटोमेशन सिस्टम, देखो यार ऑटोमेशन सिस्टम ना क्या होता है कि आपके पास जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने लगो और आपके पास कुछ बिजनेस जनरेट होने लगे तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन सिस्टम पे स्विच कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो
आप एक ऑटोमेशन बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो पहली फनल में उसको आपको क्या ऑटोमेशन देना है, जैसे कि पहला मेल उसको क्या जाना है, दूसरा मेल उसको क्या जाना, तीसरा उसको क्या नोटिफिकेशन जाना, क्या व्हाट्सएप पे जाना। तो एक ये ऑटोमेशन आपको तैयार करना है अपने बिजनेस के लिए। देन कमिंग ऑन द पेड मार्केटिंग, फिर आप क्या करो, जब आपका एक सिस्टम बन गया भाई, ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपने कर ली, ऑटोमेशन आपने बना लिया, अगर कोई भी बंदा आएगा तो इस तरीके से वो आपके प्रोडक्ट पे लैंड होगा, इस तरीके से उसको प्रोडक्ट डिलीवर होगा, और पूरा आपने प्लान बना लिया, तब आप पेड मार्केटिंग शुरू करो। आइदर पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं भाई, एड चला के तुम्हारे पेज पे कोई आ भी गया तो मैं तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ गए तो उस चीज का करना क्या है भाई, फॉलोअर आपको बिजनेस नहीं देंगे, जो आपको बिजनेस देगा वो आपके प्लेटफॉर्म पे जो लोग आए हुए हैं वो आपको बिजनेस देने वाले हैं, जो आपके ऑटोमेशन में आएंगे, ठीक है। तो वो आपको करना है। अब इस प्लान को डीप में स्केच करना आपकी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं बिजनेस मेकिंग। देखो यार, इस स्टेज में हो ना तो इस स्टेज में आना, और बहुत जरूरी है इस स्टेज में आना, ठीक है। ये लोग कैसे काम करते हैं वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट आपको पता होगा, लेकिन मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो, ये कैपेबल भी होते हैं, स्केलेबल भी होते हैं और स्मार्ट भी होते हैं, इसीलिए बिजनेस बना रहे, कर नहीं रहे, बिजनेस बनाते जा रहे। तो ये जो काम करते हैं TWM पे काम करते हैं, टाइप। सबसे पहले हम इनका टाइप देखते हैं, किस टाइप का बिजनेस है ये। बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बना रहे, मतलब अच्छी खासी इनकी टीम है, प्रॉफिट भी बना रहे और सब कुछ मैनेज भी कर रहे। अब इनके पास देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्या इनके पास है क्या क्या। तो देखो, सबसे पहली बात, इनके पास ऑटोमेशन, दूसरा एफिशिएंसी है, तीसरा कस्टमर एक्सपीरियंस है, एंड फोर्थ वन इज द टीम। ऑटोमेशन जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ही कहानी शुरू होती है, यहीं से चीजें स्टार्ट होनी शुरू होती है। एफिशिएंसी, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको कितना एफिशिएंटली अपने कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं, आप कितने एफिशिएंट हैं उसमें, सर्विस है तो आप उसमें कितने एफिशिएंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये इनके पास होता है। देखो, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज पर गौर करो कि आपके पास जितने कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, अगर आप उन्हीं की केयर कर लो तो आपको कितना बिजनेस उन्हीं लोगों से मिल जाएगा। लेकिन आप क्या गलती करते हो, आप ये करते हो, आपको जाना है नए कस्टमर्स, आपको जाना है न्यू कस्टमर ढूंढने, पुराने वालों को आप ध्यान नहीं देते हो, जबकि आपको ये ध्यान देना है कि जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, उनका ऑलरेडी आपसे ट्रस्ट बना हुआ है, वो आपको बिजनेस आसानी से दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू द न्यू वन, ठीक है। तो इनको ये चीज पता है, और इनकी टीम जो होती है ना बड़ी स्ट्रांग होती है, ये एम्प्लॉयज पे बड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, एक एक चीज की ऑडिटिंग करते हैं, तो इसलिए ये बिजनेस मेकिंग में आते हैं। और देखो, इनका जो मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव होता है वो क्या होता है, ब्रांडिंग, इनका मेन होता है ब्रांडिंग और माउथ ऑफ वर्ड। माउथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू एडवोकेटिंग, ब्रांड एडवोकेट। अगर मैं किसी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट करूं या मैं सजेस्ट करूं, देन आई विल बिकम अ ब्रांड प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि मुझे वो उसकी सर्विस अच्छी लगी, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग जो ध्यान देते हैं वो ब्रांड एडवोकेट बनाने पर ध्यान देते हैं। आपको भी बहुत सारी सर्विसेज अच्छी लगती होंगी, आप भी कहते होंगे कि यार इस कंपनी का यूज करो, ये करो, ये करो, इस वाली कंपनी से आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपको ये फायदा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हो अगले की। दैट इज द इम्पोर्टेंट, आपको इस स्टेज पे पहुंचना है। और देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में फर्क है, थिंकिंग का फर्क है। देखो, यहाँ पे बंदा जो सोच रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट की सोच रहा था, यहाँ पे जो सोच रहा था वो सेल्स की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये सोच रहा है ये ब्रांडिंग और माउथ ऑफ वर्ड की सोच रहा है। तो सिंपल सा ये फर्क है, ये आपको समझ। सो गाइज, आई होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन सा मॉडल आपका है और कैसे अब आप स्विच करोगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप बताओ। देखो, आप बताओगे, आप कमेंट करोगे तो चीजों को हम देख सकते हैं, आपके कमेंट्स आएंगे, उस पर भी हम वीडियोस बना सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आज भी अगर नहीं बोलोगे, आज भी अगर चुप रहोगे और बस इग्नोर कर दोगे, तो इश्यूज ये रहने ही वाले। और देखो, अगर आज जिस स्टेज में हो उससे आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं यार आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। आपको वेकअप होना है, अपने आप को
पिन करना है कि आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स में कोई बिजनेस कर रहा है और वो एक मॉडल पे कर रहा है, उसको दूसरे पे स्विच करना चाहिए, तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड भी कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो इनमें से किसी भी मॉडल पे, तो आप अपना जॉब भी स्विच करने की कोशिश करो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है, आपको सीखना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये चेकअप्स रखने ही पड़ेंगे। अगर आप ये चेकअप्स नहीं रख रहे हो और हर किसी की बात मान रहे हो, हर किसी का चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप बस उसमें ही फंसे रह जाओगे। तो देखो यार, अगर तुमने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है ना, तो लाइक करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और देखो मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर आप लाइक करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, तो मैं और वीडियोज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं लेके आने वाला कि कुछ भी मतलब उठा के यहाँ पे आपको बता दिया। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को काम करने में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने में जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो सब आपके साथ शेयर होने वाला है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, या आप जो गलतियां कर रहे हो उनको कवर अप करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।